खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर ठसका अली गांव में गुरुबख्श सिंह खालसा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े गुरुबख्श सिंह खालसा ने टंकी पर से ही छलांग लगा दी और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया इससे और भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया। सिख नेताओं का कहना है कि गुरुबख्श सिंह ने कौम के लिए शहादत दी है। प्रशासन खासकर पुलिस ने गुरुबख्श सिंह पर इतना दबाव बनाया कि उसे मजबूरन छलांग लगाकर अपनी जान देनी पड़ी। अब सिख जत्थेदारों ने बैठक कर आगामी रणनीति बनाने का ऐलान किया है। कौम के वास्ते आज गुरुबख्श सिंह जी खालसा जेड़े साडे सिख कौम की लड़ाई लड़ रहे सन, बंदी सिखा की रिहाई जो जिन्हां दी सिखा की सजा पूरी हो गई है ते लेकिन अज भी उन्होंने रिहा नहीं किया गया, उन्हां दी लड़ाई लड़ रहे सन। उन्होंने करीब एक बजे अज उत्थे बैठे सन ते पुलिस प्रशासन ने अज उत्थे दबाव बना दिता उन्होंने उत्ते ते उन्होंने मजबूर होकर टैंकी के उत्तों छलांग लगानी पई ते उन्होंने उत्थे इस सारी घटनाक्रम के डैथ हो गई। उत्थे कोई भी सुविधा नहीं सी और मैं समझना कि पुलिस प्रशासन ने यह दबाव बना के एक सिख कौम नूं नीवा विखा के यह समझना असीं समझना कि हत्या की गई अज जिहड़ी अज तुहाड़े सामने गुरबख्श सिंह जी खालसा जिहड़ी बंदी सिखां दी इक सिख कौम की लड़ाई लड़ रहे सन। साढ़े प्रधान जी अंबाला तो भी इतने पहुँच गए हैं, इन्हां सारे असीं बह के रणनीति अगली तैयार करांगे कि जो भी सानू निर्देश कौम करेगी उहदे अनुसार अगे काम किया जाएगा।